रेजोनेंस अंग्रेजी में कहते हैं इसको अनुनाद संरचना। मजा आएगा, ये भी टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब कहेंगे कि जब किसी यौगिक के एक से अधिक संरचना बनता है, इसी को बनाना है अभी, जब किसी यौगिक के एक से अधिक का बनता है तो उसी को कहते हैं अनुनाद संरचना। लिखते हैं, लिखो, जब किसी यौगिक को एक से अधिक संरचना बनता है तो इसे अनुनाद संरचना का। जब किसी यौगिक की एक से अधिक संरचना बनता है तो इसे क्या कहते हैं? तो नोट में लिखना, पहला, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसके ऊपर धन चिन्ह लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ऋण चिन्ह लगाते हैं, बराबर इलेक्ट्रॉन लगता है तो कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। देखना, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, मान अंतिम को समय जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, सब पढ़ा दिया गया स्कूल में, तो इस पर ऋण चिन्ह लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो कौन चिन्ह लगाते हैं? ऋण चिन्ह। और जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, हाँ कम हुई, और जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसे काम करो दूसरा करो पहला करो दूसरा करो, जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो धन चिन्ह लगाते हैं, धन चिन्ह लगाते हैं। आज जब इलेक्ट्रॉन बराबर के संख्या में होते हैं तब कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बराबर के संख्या में होते हैं तो कोई चिन्ह नहीं लगाते, हम दो का बताएंगे, बाकी आप सब बना लेंगे। अतने में महत्वपूर्ण एक सूत्र लिख लीजिएगा, बंधों की संख्या कैसे निकालेंगे? बंधों की संख्या बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा में दो। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा में दो। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा में दो। आइए, मैं चाहूंगा कि आपको एक बना करके समझाएं, M2O का अनुनाद संरचना बनाना, N2O का क्या बनाना, तो सुनो, अब लिखना बंद करेंगे तो हम समझाएंगे, चलो रहने दो, समझ लो तब।
में कितना यान है तू? तल्ले ला काची दुर्गया, वाह यहाँ भी ले लो दुर्गया। देखो कहीं ठेल करने किनारे करो। अब ये निकाले के बाद बंधों की संख्या, ये मेन बात है समझ लेना। ये जान गए तो अंदाज बनाने में कौन दिखता, कितना बंद लगेगा, दो लगेगा, तीन लगेगा, चार लगेगा, कहाँ लगेगा। अलग अलग दो तरीके से बंद लगा दो। तो मैंने सूत्र भी लिखा है, देखो हर एक तत्व तो चाहता है कि हमारे अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, आठ। जैसे आप लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ करके बहुत बड़ा डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, सपना होता है कि मैं पढ़ूँगा, पढ़ के बहुत बड़ा इंसान बनूँ। वही है सपना परमाणु के भी होता है कि हमारे अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, आठ। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी आप लिखेंगे तो आठ ही लीजिएगा आप, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ करके सब आठ। तो बताओ इसमें कितने हैं, नाइट्रोजन है ना, दो गो है, तो आठ दूना सोलह में। देखो क्या बता रहा हो, बहुत दिमाग खोल कर समझना। नाइट्रोजन के लिए आठ, ऑक्सीजन के लिए आठ, तो नाइट्रोजन दो को बता दूना सोलह, और सोलह आठ कितना हो जाएगा, चौबीस। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहाँ पर होगी तहाँ चौबीस। मैं बंधों की संख्या निकालूँगी इसे, बंधों की कितना हो गया कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, चौबीस। पूछो कहाँ है चौबीस आया, पूछो समझ में आई ला। पहले इन्हें क्या करेगा बस सुनो, आई ऑक्सीजन का कितना वाला आठ, नाइट्रोजन के भी आठ, लेकिन नाइट्रोजन बद आठ दूना सोलह, सोलह आठ कितना हो गया चौबीस। अब सुनो हाई अंतिम कोष का मतलब का भाई, नाइट्रोजन की देखल जाए यानी किनारे बताओ तो नहीं कि सात वाला ने परमाणु क्रमा, तो दो कमा करके पाँच। ऑक्सीजन कितना वाला आठ, तो दो कमा करके छः, एक अंतिम में कितना भाई पाँच, लेकिन भाई डबल नाइट्रोजन दो का बना तो पाँच दो ना दस भाई छः, तो लिखा दिए कितना है जैसो बटा में दो घटी तो हो जाए छः ना आठ बटा में दो काटल जाए कितना आ गया छः, तो चार को बंद आ गया। अब तहार इच्छा अरे मन करे तो दो का हेजा लगा दो, दो का हेजा चार गो से अधिक नहीं लगा, अब मन करे तो हेजा तीन को लगा दो, का समझे इतना पहले कैसे बंधों की संख्या निकाल। हमेशा यहाँ पर अगर मान ली इसके लिए निकालते तो आठ और सोलह कर देते, यहाँ पर सोलह लिखते, इसके लिए निकालते तो आठ और इसका भी आठ ही होगा। अंतिम कोष की बात नहीं हो रही है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात है। इसका निकालते तो आठ दूना सोलह, आठ तरीका चौबीस, चालीस, तो चालीस लिखते पहले माने। इसके निकालते तो आठ दूना सोलह, आठ चौक बत्तीस, अड़तालीस पहले लिखते आप, यहाँ आठ दूना सोलह और आठ में चालीस छप्पन पहले आप। अंतिम कोष में तो आप जान ही गए हर एक नाइट्रोजन के अंतिम में पाँच भाई छः, तो इसमें दो नाइट्रोजन हो रहा है तो पाँच दूना दस, एक ऑक्सीजन के छः सोलह बताएंगे तो चार, चार बन लगा। अब हम लोग इसका अष्टक पूरा करेंगे, क्या पूरा करेंगे अष्टक, का मतलब होता है कि इसका अंतिम कोष में आठ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सुनो नाइट्रोजन मानो एक को इलेक्ट्रॉन हो गई, दो गो है और दो गो चार गो हो चुका, चार गो ही चाहिए तो दो गो में दिखा देवे को, चार गो ही चाहिए तो दो गो ही और दो गो ही आठ हो गया। इसके पास इसके पास कितना है नाइट्रोजन के पास, देखो दो गो हाई बा, दो गई चार गो, दो गई छो, कहा है दो गो गिना था मालूम बा, अरे एक भेजा बा एक भेजा बा, दोनों साझदारी कर रहा सब ये कहते हैं तो हर से हमारे काम चले तो तोरों काम हम चलाए, मिलजुल के काम चला रहे हैं सब, साझदारी किए हैं कि तुम फिजिक्स से किताब दो तुम केमिस्ट्री की दे देंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें मीट खिलाऊंगा, तो वो बात होता है। एम एक्स के पास कितना आ गया, तो ये है और दो ये है चार, आठ करेंगे पड़ी ना हो तो दो गो है, लेकिन देखिए आई बाबू एगो चीज कि जब अंतिम में सोलह बात सोलह के शादी के मिले टाना रह के चाहिए आ सोलह गो बा, दो गो आई चार गो, दो गो आई छः गो, दस गो, बारह गो, चौदह गो, सोलह गो, अठारह गो, ठीक है सोलह ही में चाहिए, गिने में गलती हो गई ना, गाने में गलती हो रही है, दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह, ठीक है। अब हमने के चिन्ह का लगा हुआ माइनस प्लस, कहानी का बा
जहाँ रहेगा कम वैया रखेंगे प्लस, जहाँ रहेगा अधिक वैया रखेंगे माइनस। तो सुन भाई, का आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, देख रहे हो, अगर अंतिम में कितना होना चाहिए, पाँच, और कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच, चलो फोन करेंगे सर, पाँच हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना हो रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः हो रहा है ना, एक अधिक हो रहा है तो एक माइनस लगा, दो दो चार, अब पाँच को चाहिए, अगर अंतिम में पाँच को मानो तो प्लस लगा दीजिए, दो दो चार दो छः, ठीक है भाई, ना लगी कौन अच्छी, समझ रहे बात को, अच्छा चलो दो दो चार दो छः को हो गई, दो वाली लगा दे आठ को, दो दो चार दो छः दो आठ हो गई, छोड़ दे के या दो गो दो चार गो दो छः गो ला गो तब ना आठ गो गिन लो, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह दो सोलह हो गए, हमें कह गो एक दो तीन चार पाँच, सही बात कोई चीज़ नहीं, एक दो तीन चार एगो कम बा प्लस, एक दो तीन चार पाँच छः सात चौबे को चाहिए एगो अधिक बात एगो माइनस, यह अनुनाश समझ का आपको समझ में आया नहीं यार, तो बना ले बाकी सब आप लोग बना लीजिए।